डिटेंशन सेंटर बनाए, आई थिंक इट इज बेटर टू चाय की दुकान खोलिए तो इट इज बेटर, क्योंकि ये बेकार है। डिटेंशन सेंटर चेंज इनटू चाय सेंटर, चाय की दुकान बना ले तेरा वो बिजनेस है, बिकॉज इट इज अ वेरी प्रीशियस पोजिशन ऑफ पीएम, यू कांट हैंडल इट एनी वे। ओके, इट इज बेटर टू ओपन द डिटेंशन सेंटर, कन्वर्ट इनटू चाय सेंटर्स। ओके, लिसन दिस, पीछे हमारे पीछे नहीं बना, एक बार ट्रिपल तलाक है, एक बार चाय बनाना हमारे को तो अच्छा नहीं आता, चाय तुम्हारे को बनाना अच्छा था, गोश्त हमारे को तलना अच्छा था। ओके, वॉच करो, हमारे को जो सिखाया गया है हम वो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जिसको मेरा होना फूटी आँख नहीं सुभाता है, उससे मेरे भारत, उससे कहो कि भारत मेरे माँ बेटे का नाता है, उससे कहो कि भारत का माँ बेटे का नाता है। जितनी मोहब्बत माँ बेटे से, हर बेटे से होती है, उतनी मोहब्बत हर मुसलमान को आज हिंदुस्तान से। प्लीज सुन लो मोदी जी, हिंदुस्तान को हाथ लगाएगा मट्टी में मिल जाएगा, हिंदुस्तान को हाथ लगाएगा मस्ती में मिल जाएगा, समझ जा। अगर आएंगे तो तेरी बस्ती में आके तेरे को ही मारेंगे, मुसलमानों को अलग करेंगे ना, तेरा तेरा ओवर हो रहा रे, मुसलमानों को अलग करेंगे ना, बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पर NRC और CAA के अगेंस्ट आए हैं, हम लोग को यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप कितने भी अच्छे से रह लो, आप देशद्रोही हैं। जो ठहर के देश के लिए देश से लड़ता है वो देशद्रोही नहीं होता। हमने आज तक किसी का खून नहीं किया, हम देशद्रोही कैसे हुए? मोदी के हाथ खून से इतने लाल है, वो देशद्रोही हुआ, हम देशद्रोही नहीं हुए। जो सब लोग आज यहाँ आकर ठहरे हैं, ये हमारा देश है, हमें देश से इस तरह अलग नहीं किया जा सकता। हम वो बताने के लिए आज यहाँ आए हैं। थैंक यू। ये टाइम स्टूडेंट्स का, ये टाइम स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्स लिखना, प्रिपरेशन करने का है, और गवर्नमेंट यहाँ स्टूडेंट्स को इस जगह पे लाके खड़ा करती कि वो सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो यहीं पैदा हुए और कह रहे हैं उसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। क्यों दिखाएंगे हम बर्थ सर्टिफिकेट जबकि हम यहीं पैदा हुए हैं, और फिर हम ही से पूछा जा रहा है कि हमें सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सिर्फ ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोवरेन कंट्री, एंड दे आर डिनाइंग इट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, एंड वी आर स्टैंडिंग हियर। अमित शाह ने जो कहा है कि वो मुस्लिम से जो इतनी नफरत है उनके दिल में, जो इतनी नफरत पैदा है कि वो इतना नफरत करते हैं मुस्लिम से, कि उन्होंने कहा है कि सबको देंगे सिटीजनशिप सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं देंगे, तो उन्हें ये अपना बयान वापस लेना होगा कि उन्हें ये सेक्युलर कंट्री है और उनको ये सेक्युलरिज्म के हिसाब से चलना होगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते ये स्टेट में। वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं, ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट द कंट्री, ही कैन नॉट डू दिस। टॉपिक है नहीं बोलने के लिए, सब खत्म हो चुका है, अब उनके पास कुछ है नहीं मुद्दा, तो अब बस ये लेकर खड़ा कर चुके हैं कि बस कैसा है आवाम को परेशान, जो पैसे डिटेंशन कैंप्स में लगे जा रहे हैं, उनके जो RSS के लोगों को बनाने लगा जा रहे हैं, वो इकोनॉमी में लगाइए, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? घर में इतने बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए आप, लोग भूख से मर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ के स्कूल्स नहीं है, अनएजुकेशन इलिटरेसी इतनी है, उन्होंने जाके लोगों को छाटने में लगे हुए हैं, ये कहाँ की है? उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है साहब, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। थैंक यू। वही तो है, देखिए कहाँ जा रही है, पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, इंडिया मतलब अभी परसों भी पता चला कोई लोग बोल रहे हैं आपको मुस्लिम से काम करने में मुश्किल हो तो हट जाइए। टुडे वी आर हियर टू जस्टिफाई अवरसेल्फ दैट वी वांट जस्टिस, दे द गवर्नर द प्राइम मिनिस्टर एंड द लाइक प्रेसिडेंट दे जस्ट वांटेड टू डिवाइड एंड रूल द कंट्री, हम लोग किसी भी उन लोग की चाल में आने वाले नहीं है, वो लोग का मकसद सिर्फ यही है कि वो लोग डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे कंट्री को जैसे अंग्रेजा करे थे, अब हम लोग उन लोगों की चाल में आने वाले नहीं है, अब हम लोग हमले हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और हम सब जने मिलकर एक ही बात बोलेंगे कि जो तानाशाही मोदी और अमित शाह चलाने वाले हैं वो अब नहीं चलेगी, अब हम लोग हमारे हक के लिए लड़ेंगे। आपके बात से बिल्कुल सहमत रखती हूँ, मगर ये चीज के वास्ते तुम लोगों को इज्जत देना बहुत हो गया, आज माँ बहन जो निकले हैं रोडों पे तो उस चीज के वास्ते आप लोगों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट चलाने वालों को इतना हौसला होना चाहिए कि आज औरतें बाहर निकली हैं ये चीज के वास्ते हमारे हक के लिए, देखो अभी भी वक्त है सुधर जाओ, वरना हमारे अवसदुद्दीन अवैसी भाई के नाम पे एक आवाज देने पे इतने निकले हैं तो तेरी खराबी आई है मोदी, सुधर जा बेहतर रहता। जो तू डिटेंशन, उनको ख्याल होना चाहिए, हम लोग को कितनी तकलीफ है, हम लोग को रोडों पे निकाल रहे, हम लोग को कोई इंसानियत है ये? हमारे तुफे से तो सीट पे बैठ के हमको हटाता, हमारे घर से हमको ऑटो बोलता, हमारे तुफे से तो सीट पे बैठ के हमको ऑटो बोलता, तेरी औकात क्या है? हमारे तुफे पे टुकड़ों पे बोल रहा, हमारे समय तू हमारा नौकर है और हमको ऑटो बोलता, मालिक को ऑटो बोल के बस यही बोलना है। और NRC मुर्दाबाद, NRC बायकॉट, मोदी।
विकास, मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर है मोदी, चोर है। हमारे घर पे आएंगे, हम लोग बायकॉट करेंगे, कोई फेवर हम लोग नहीं दिखाएंगे ये लोग को, क्योंकि हमारे घर में रह के हम हमारे लिए प्रूफ हम नहीं दे सकते, हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते। खत्म, मोदी को ये पहुंचा दीजिए आप, और अमित शाह को भी पहुंचा दिए, उसको तो ना बीवी ना बच्चा, तो उसको फैमिली का मतलब मालूम ही नहीं उसको।